प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों से जो करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आइए पहला प्रश्न क्या है इस पर ध्यान देते हैं, फटाफट जवाब भी आप दीजिएगा। पहला प्रश्न है, भारत विज्ञान महोत्सव 2023 के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? हु विल होस्ट द फोर्थ एडिशन ऑफ इंडिया साइंस फेस्टिवल 2023? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी भोपाल और ऑप्शन डी वाराणसी। फटाफट जवाब दीजिए। देखिए इसका सही आंसर है हैदराबाद। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं के लिए पूछा जा सकता है, करंट अफेयर से जुड़े हुए प्रश्न है, आगामी परीक्षाओं में इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इसकी व्याख्या को थोड़ा सा देख लें। हैदराबाद भारत विज्ञान महोत्सव 2023 के चौथे संस्करण की मेजबानी करेगा। इस कार्यक्रम के 20-22 जनवरी के बीच हैदराबाद पब्लिक स्कूल में आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव के दौरान विज्ञान वार्ता, अंतः विषय पैनल चर्चा, हैंड्स ऑन वर्कशॉप, पॉलिसी राउंड टेबल, बुक लॉन्च, फिल्म स्क्रीनिंग और प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखने का विषय है कि हैदराबाद में है और ये कौन सा है, 2023 का भारत विज्ञान महोत्सव है। तो ऐसे इसकी एक्सप्लेनेशन को दिमाग में रखिएगा तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि साइट्स वन्य जीव एवं वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन कोप 19 की बैठक पनामा में कब से कब तक आयोजित की जा रही है? ये कोप 19 याद रखिएगा, इसकी बैठक का आयोजन कब से कब किया जा रहा है और कहाँ हो रहा है? पनामा में हो रहा है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। देखिए इसका आंसर है आपका 14 से 25 नवम्बर के बीच में। 14 से 25 नवम्बर के बीच में पनामा में कोप 19 की बैठक हो रही है, जिसमें वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, लुप्त प्राय जो हमने आपको हमेशा बताया है कि रेड डाटा बुक में तमाम ऐसी प्रजातियां हैं जिन्हें कहा जाता है कि ये संकटग्रस्त हैं, रेड डाटा बुक, ऐसे बहुत सारी प्रजातियां हैं जिनका जीवन संकट में है, उनके संदर्भ में बात होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, लेकिन उससे पहले इसकी व्याख्या को देखें क्या है। कोप 19 की बैठक पनामा में 14 से 25 नवंबर में आयोजित की जा रही है। इस सम्मेलन को विश्व वन्य जीव सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। बैठक में जानवरों और पौधों की 600 से अधिक प्रजातियों के भविष्य के बारे में निर्णय लिया जाएगा। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका पालन राष्ट्र और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन स्वैच्छिक रूप से करते हैं। तो ये देखिए इस मीटिंग का हिस्सा बनने जा रहा है। 600 से अधिक की संख्या के बारे में बताया गया है। ध्यान रखिएगा डेट आप 14 से 25 नवंबर है, पनामा है, कोप 19 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ITTF एथलीट आयोग के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? देखिए अभी लगातार 2-3 दिनों से इस तरह के प्रश्नों पर मैं चर्चा भी आपसे कर रहा हूँ और मैरी कॉम का भी नाम मैंने आपसे लिया था। तो ये कहा जा रहा है कि इस एथलीट आयोग के लिए किसको, कौन सा पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं? तो इसमें जो ऑप्शंस हैं उनको ध्यान दीजिए। ऑप्शन ए जसपाल राणा, ऑप्शन बी शरद कमल, ऑप्शन सी समरेश जंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका सही आंसर आपका है शरद कमल, इनको बनाया गया है, ठीक है ना, और इसका अध्यक्ष बनाया गया है मैरी कॉम जी को। तो इस प्रश्न को भी ध्यान रखिएगा। स्टार भारतीय पैडलर शरद कमल अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। आयोग में 4 महिला और 4 पुरुष खिलाड़ी हैं, 2 पैरा एथलीट भी हैं। आयोग का कार्यकाल 2022 से 2026 तक चलेगा। इसमें एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और ओशिनिया के सदस्य जुड़े हैं। देखिए मैंने इनका नाम पहले भी लिया है, इन्हें अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, इन्हें जो है ओलंपिक संघ का सदस्य भी बनाया गया है और इसी का संघ का ओलंपिक संघ का सदस्य बनाया गया है मैरी कॉम जी को भी। इस प्रश्न को भी दिमाग में रखिएगा ताकि कोई गलतियां हम लोगों से ना हो सके और पॉइंट्स को हम समझ सकें।
जिन विद्यार्थियों ने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर हमारे द्वारा दिए जा रहे प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं, ऐसा लगता है परीक्षा उपयोगी है, तो जरूर कमेंट करिए, लाइक करिए, हमें भी मालूम चले कि हमारी बातें आप तक सही ढंग से पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं। फिलहाल इसका अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से टेलीग्राम पर एक चैनल है, आप वहां से उसे कलेक्ट कर सकते हैं, उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और सारी सूचनाएं आप तक पहुंच सकती है। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरकार ने संजय मिश्रा का कार्यकाल एक और वर्ष के लिए बढ़ाया, वह किस एजेंसी के डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं? बहुत चर्चित नाम है संजय मिश्रा, और ये बताइए फटाक से आंसर क्या है। ऑप्शन ए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ऑप्शन बी CBI, ऑप्शन सी NIA, ऑप्शन डी IB। संजय मिश्रा जी का कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो रहा था, लेकिन उसे बढ़ा करके आगे ले गए। देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन ए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय। आइए, सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल एक और साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। संजय मिश्रा का कार्यकाल मूल रूप से 2020 में समाप्त हुआ था, उनका कार्यकाल दो बार बढ़ाया जा चुका है। संजय मिश्रा को पहली बार 2018 में 2 साल के लिए ED निदेशक नियुक्त किया गया था। तो इनका नाम याद रखिएगा, परीक्षा के लिए जब कोई नियुक्तियां होती हैं उससे जुड़े हुए प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, उसको ध्यान रखिएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, और बहुत अच्छा प्रश्न है। अमेरिका ने एयर इंडिया पर रिफंड में देरी करने पर कितने मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है? देखिए अमेरिका ने एयर इंडिया, आज आप जानते हो एयर इंडिया टाटा के हाथों में चल रही है और टाटा इसका निर्धारण कर रहा है, ऐसे में इसके रिफंड में देरी होने की बात की जा रही है, तो कितने मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन है तो 1.1 मिलियन डॉलर, 1.4 मिलियन डॉलर, 2.9 मिलियन डॉलर और 3.1 मिलियन डॉलर। अरे विद्यार्थी, इसका सही आंसर है 1.4 मिलियन डॉलर। ये रिफंड में देरी होने के कारण हुआ है, मतलब रिफंड तो अलग चीज होगी, देरी होने की वजह से ये चीज हुई है, इसलिए इसे आप ध्यान रखिएगा और इन बातों को समझने का प्रयास करिएगा। अरे विद्यार्थियों, मिशन इंस्टीट्यूट में SSC GD को लेकर के एक विशेष क्लास का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रयागराज और प्रयागराज से जुड़ी हुई जितने भी विद्यार्थी हैं जो मिशन इंस्टीट्यूट तक आसानी से आ सकते हैं, उन सभी के लिए एक सुनहरा अवसर है। वो संस्था में आए, अपना निशुल्क रजिस्ट्रेशन कराएं, 40 दिन की निशुल्क क्लास उनको प्रोवाइड की जा रही है। इसका उद्देश्य है कि बहुत दिन बाद एक वैकेंसी हमारे सामने है जिसमें हम अच्छा कार्य करके सफलता के आयाम तय कर सकते हैं। मिशन हमेशा हजारों विद्यार्थियों के जीवन में शामिल है और हमेशा एक अच्छा प्रयास करता रहा है, ये हम आप सब इससे रूबरू हैं। आइए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। जो भी विद्यार्थी इच्छुक हों और मिशन में आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उन्हें 40 दिन की निःशुल्क क्लास दी जाएगी। देखिए कहा गया है अमेरिका ने टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली एयर इंडिया को पैसेंजर्स को 1 to 1.5 मिलियन डॉलर, 121.5 मिलियन डॉलर का भुगतान करने को कहा है। वहीं पैसेंजर्स को रिफंड करने में अत्यधिक देरी के कारण पेनाल्टी के रूप में 1.4 मिलियन डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया है। ध्यान दीजिएगा, ओवरऑल रिटर्न कितना है, 121.5 मिलियन डॉलर है और देरी की वजह से 1.4 मिलियन डॉलर है, इसे दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। हाल ही में किस राज्य ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थ पशुधन सेवा, पशुधन टीकाकरण सेवा, यानी ड्रोन के माध्यम से पशुधन टीकाकरण करने के संदर्भ में काम हो रहा है, तो ये विश्व की बड़ी बात आ रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है। कौन सा स्टेट है जिसने ऐसा किया है वैक्सीनेशन के लिए? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई चीज जब पहली बार होती है तो वो जीवन भर याद रहती है और जीवन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो वो नाम बदल नहीं पाता। फिर 2, 3, 4 जीवन में जो भी घटनाएं होंगी उन्हें एक बार आप भूल सकते हैं, लेकिन पहली बात जहां जहां भी आपको मिलती है, कोई अपॉइंटमेंट हो, कोई कार्य हो, कोई योजना हो, उन सभी को याद रखना बहुत जरूरी होता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश, ये योजना अरुणाचल प्रदेश से शुरू की गई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
क्या कहा गया है? हैदराबाद की टीका बनाने वाली कंपनी भारतीय रोग प्रतिरोधक क्षमता विशेष लिमिटेड ने दुनिया में पहली बार ड्रोन के जरिए पशुओं के टीकों की आपूर्ति करने का अनूठा कारनामा कर दिखाया है। पशुपालन एवं सरकार के कृषि एवं पशुपालन विभाग तथा ड्रोन सेवा प्रदाता के साथ पूर्वोत्तर राज्य में, ध्यान दीजिएगा, पूर्वोत्तर राज्य में रोइंग से पलगाम तक पहली बार ड्रोन के जरिए टीकों की आपूर्ति की गई। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बन सकता है। रोइंग से पलगाम तक पहली बार ड्रोन के जरिए टीकों की आपूर्ति की गई है। तो ड्रोन का जो एक सकारात्मक प्रयोग है वो इसी तरह है। हम लोग तो अभी तक ड्रोन को खाली फिल्मों की शूटिंग और शादी विवाह फंक्शन तक ही समझते थे, लेकिन ड्रोन अब हर जगह काम में आ रहा है। सैन्य क्षेत्र में तो बहुत लंबे समय से कार्य कर रहा था, अब जन सामान्य और सामाजिक कार्यों के लिए भी, पशुओं के कल्याण के लिए भी ड्रोन की भूमिका निभाई जा रही है, इसे ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से हमारा टेलीग्राम पर चैनल है, आप उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और क्वेश्चन के साथ साथ एक बूस्टर पॉइंट भी आपको मिलेगा, जिसमें ढेर सारे क्वेश्चंस रहेंगे, पॉइंट्स रहेंगे, ताकि आपकी तैयारी बनी रहे। मेरे विद्यार्थियों, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं दो दिन से चर्चा कर रहा हूँ। आर्टेमिस किस देश द्वारा लॉन्च किए गए मून रॉकेट का नाम है? आर्टेमिस वन, ये बार बार पूछा जा रहा है, क्या है? तो ये ऑप्शन है, किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। फटाफट जवाब दीजिए। हाँ, इसका सही आंसर क्या है? अमेरिका। नासा का एक प्रोजेक्ट है ये, और नासा ने इसको लॉन्च कर दिया है, आर्टेमिस वन को, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा, मुझे लगता है कि परीक्षा में कहीं ना कहीं आने लायक है, इसलिए मैं दो दो बार इसको इंपॉर्टेंट टिक कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। हाल ही में 98 मीटर लंबे आर्टेमिस यान को अमेरिका के कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। इस यान को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार के साथ आसमान में उड़ान भरी। 50 साल पहले अपोलो अभियान की समाप्ति के बाद अमेरिका की ओर से चंद्रमा पर फिर से अंतरिक्ष यात्रियों को उतारने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिएगा, और आर्टेमिस के संदर्भ में याद रखिएगा, कैनेडी स्पेस सेंटर से इसको छोड़ा गया है, और इससे जुड़ी हुई तमाम बातों को दिमाग में रखिएगा। आइए फिलहाल हम लोग चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बर्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 किसके द्वारा जारी किया गया? ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 हैज बीन रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशंस, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। बताइए फटाफट कौन सा आंसर सही है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और परीक्षा के लिए बहुत संभावनाएं हैं कि ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे। आज की परीक्षा प्रणाली में सब इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ पर क्या लॉन्च किया गया, कहाँ क्या हुआ है, उसको जरूर याद करिएगा। इसका देखिए आंसर है यूनाइटेड नेशन, ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 के अनुसार भारत 2023 तक दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ सकता है। इसके मुताबिक वैश्विक जनसंख्या 1950 के बाद से धीमी दर से बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम अनुमान बताते हैं कि विश्व की जनसंख्या 2030 में 8.5 बिलियन और 2050 में 9.7 बिलियन तक बढ़ सकती है। देखिए, ये जनसंख्या के बारे में मैंने आपको न्यूज़ में अपडेट किया है, और मैंने आपसे बताया कि 8 बिलियन हो गई है, और 2030 में कहा जा रहा है कि 8.5 बिलियन हो जाएगी, और भारत के संदर्भ में कहा जा रहा है कि हम चीन को पछाड़ देंगे। हमारी जो जनसंख्या वृद्धि है, जो हमारी ग्रोथ है, वो हमारी कंपेरेटिवली चीन से बहुत तेज चल रही है, और एक अनुमान के अनुसार हम बहुत जल्दी ही आगे निकलने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि हमारे क्या अनुमान है, और ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है जो बताती है कि जनसंख्या की वास्तविक स्थिति क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। ये संविधान से जुड़ा हुआ प्रश्न आ गया आपके पास। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा के रूप में जाना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज नोन एज द हार्ट और सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन?
किसे कहते हैं? आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 24 है, आर्टिकल 32 है। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को ही कहा जाता है संविधान की आत्मा और हृदय के रूप में जानते हैं। 32 32 में संवैधानिक उपचारों के बारे में बताया गया है, पांच प्रकार की रिट बताई गई है। ये सभी चीजें मैंने आपको कक्षाओं में बताई हुई है, इनको याद रखिएगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं 32 और 226 को लेकर के, इन दिमाग में रखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 नागरिक के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार का अधिकार प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार अपने आप में एक मौलिक अधिकार है, या मौलिक अधिकारों को वास्तविक बनाता है। तो ये एक इसकी सिंपल डिफिनेशन थी, एक्सप्लेनेशन थी, ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चल रहे हैं और लास्ट देखें। लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन समिट 2022। फिर उसी तरह के क्वेश्चन की बात हो रही जो मैंने इशारा किया था, लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन समिट 2022 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए मैरिन पॉल्यूशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लो कार्बन ट्रांजिशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 5.0। इसका सटीक आंसर क्या है, इसे ध्यान देखकर बताइए। अरे विद्यार्थियों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और निश्चित रूप से हमें कमेंट करके बताइए कि जो ये प्रोग्राम हम आपके लिए संचालित कर रहे हैं ये कहाँ तक आपके लिए उपयोगी है। देखिए इसका सही आंसर है लो कार्बन ट्रांजिशन, ऑप्शन सी। क्या कहा जा रहा है? लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन समिट 2022 कम कार्बन संक्रमण से संबंधित है। यह समिट उन देशों और कंपनियों को इकट्ठा करता है जो पेरिस समझौते को हासिल करने हेतु कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। इसे सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में स्वीडन और भारत की सरकारों द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसे ध्यान रखिएगा कि इसका उद्देश्य क्या है। कहा गया है कि लो कम कार्बन संक्रमण, ये ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। कौन सी समिट है 2022 की? लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन है और किन के द्वारा हुआ है? स्वीडन और भारत की सरकारों द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इन सारी बातों को देखिएगा और पेरिस समझौते को हासिल करने के उद्देश्य से है, इन सबसे क्वेश्चन बन सकते हैं, पॉइंट 1, 2, 3, 4 मत करके बन सकते हैं, सीधे भी पूछा जा सकता है। अरे विद्यार्थियों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज आपके भविष्य के कल्याण के लिए, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। ऐसे में आपसे निवेदन है कि आप इसके साथ जुड़े रहें। अगर कोई विद्यार्थी ऑनलाइन टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से हमारा गूगल प्ले स्टोर पर चैनल है, उसे डाउनलोड कर लेगा, उसे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेगा और उसमें जुड़ा रहेगा ताकि हम उसे ऑनलाइन टेस्ट भी प्रोवाइड कर सकें। फिलहाल विद्यार्थियों, एक अच्छी सुबह की शुरुआत है। ईश्वर आपका दिन मंगलमय रखे, सफल रहें, सकुशल रहें, स्वस्थ रहें, जीवन पथ पर आगे बढ़ें। जय हिंद।